और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गोपाल सोनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आशा कोचिंग क्लासेज विद गोपाल सोनी। तो आज मैं आपके बीच में प्रस्तुत हुआ हूं अंग्रेजी विषय के एक नए चैप्टर को लेकर के। पाठ का नाम है द सुक्रातीज, जिसको लिखने वाली है रोडा पावर। तो जो प्रस्तुत पाठ है वो एथेंस के एक महान समाज सुधारक और एक महान शिक्षक की है, जिनका नाम सुक्रात है। वो बचपन में वो अपने फिजिकल रूप से बहुत ही ज़्यादा अगली थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को अचंभित करने वाले थे। उनके अंदर बहुत सारे ऐसे विचार थे जो कि वास्तव में आश्चर्य करने के लायक थे। वो समाज को एक आदर्श समाज बनाना चाहते थे, वो अपने देश को एक आदर्श राष्ट्र बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि यदि व्यक्ति स्वयं शिक्षित हो जाएगा तो समाज भी शिक्षित होगा, और यदि समाज शिक्षित होगा तो राष्ट्र भी पूरा एक शिक्षित होगा और राष्ट्र हमारा आदर्श राष्ट्र बनेगा। तो इस तरह से वो लोगों को शिक्षित करते थे कि लोग स्वयं के बारे में सोचें, स्वयं के मस्तिष्क को शिक्षित करें। तो इस तरह से उनके बहुत सारे अनुयायी थे, उनके बहुत सारे शिष्य थे। लेकिन कहा जाता है कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि कुछ लोग प्रशंसा करने वाले हैं तो कुछ आलोचक भी होते हैं समाज में। सुक्रातीज भी इसके अपवाद नहीं थे, उनके पास भी अनुयायी थे, शिष्य भी थे, लेकिन साथ साथ में कुछ आलोचक भी थे। जो आलोचक थे उनकी बारंबार आलोचना करते थे, और वो ये कहते थे, उनके जो आलोचक थे वो कहते थे कि जो सुक्रात हैं वो लोगों को लीडिंग स्टार अर्थात पथभ्रष्ट कर रहे हैं, वो लोगों को पथभ्रष्ट करने का काम कर रहे हैं और वो समाज में रहने के काबिल नहीं है। इस तरह से सुक्रात को गवर्नमेंट ने कोर्ट में बुलाया, कोर्ट में मुकदमा लिखा गया उनके खिलाफ, कोर्ट में बुलाया गया और उसके बाद कोर्ट में उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई। सजा सुनने के बाद सुक्रातीज ने कोई भी कंप्लेन नहीं की इस बात की कि उनको सजा सुनाई गई। वो सीधे एक टक एक बार अपने अपने स्टिक पर झुके हुए पूरे कोर्ट रूम में उपस्थित लोगों को देखे और उन्होंने केवल एक ही शब्द कहा कि नो इविल कैन हैपन विथ ए गुड मैन आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ। कि एक अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, ना तो जीवन में और ना ही जीवन के बाद। इस बातों को कहते हुए उन्होंने कहा कि इसलिए सदैव आप लोग खुश रहिए, खुशहाल रहिए, लोगों में खुशियां बांटिए और समाज को आगे लेकर जाइए। इस तरह से सुक्रात ने हंसते हंसते इस सजा को स्वीकार कर लिया और उनको मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। इस कारण से जेलर आया और उनको लेकर के गया जेल में। जेल में उनके जो अनुयायी थे, उनके जो शिष्य थे और साथ में उनकी पत्नी और उनके तीन बच्चे भी जेल में काफ़ी समय तक टाइम स्पेंड किए सुक्रातीज ने, अर्थात सुक्रात ने। उनको बहुत सारे वाइजफुल लेसन्स उनको बताए, उनको पढ़ाए, और उसके बाद लोगों में ये डर व्याप्त था कि बहुत ही जल्द सुक्रात हम लोग के बीच में नहीं रहेंगे। इसी बीच जेलर आया, जेलर ने भी सुक्रात को जहर देने से पहले एक बात कही कि आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपसे पहले अभी तक यहाँ पर कोई भी ऐसा नॉबलेस्ट द जेंटलेस्ट पर्सन कोई यहाँ पर नहीं आया है। आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो यहाँ पर आए हैं, आप कृपया करके मुझसे क्रोधित मत होइएगा जब मैं आपको कहूँगा ये जहर पीने के लिए। इस पर सुक्रातीज ने सहमति में अपने सिर को हिलाया कि मैं तैयार हूँ जहर पीने के लिए, और तुरंत उन्होंने जहर के प्याले को लिया और अपने होठों से लगा लिया। जैसा ही इस दृष्टि को शिष्यों ने देखा तो अचानक उसमें से कोई शिष्य रोने लगा, शिशकने लगा, और ये शिशकियाँ जो है वो धीरे धीरे पूरे कमरे में एक बिलाप का रूप ले ली। इस बिलाप होने के बाद सुक्रातीज ने बिना जहर को पिए हुए कहा लोगों से कि मैंने सुना है कि लोगों को तो शांति में मानना चाहिए, तो ये शोर क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप लोग अपने रास्ते को जाइए, मैं अपने रास्ते को जाता हूँ, मेरे मरने का टाइम पूरा हो गया है, मैं अब इस देश से दूसरे देश को अर्थात इस लोक से दूसरे लोक को जाने के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने गॉड से प्रार्थना की कि प्लीज गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी टू दिस कंट्री टू द अनदर कंट्री। इस तरह से उन्होंने जहर को पिया और कुछ समय बाद ही सुक्रातीज मर गए। इस तरह से कहानी का भी इस पर एंड होता है। तो आइए, ये तो थे पाठ के साथ, पाठ का सारांश था, अब आइए हम इसके टेक्स्ट का अध्ययन करेंगे। इससे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
अभी तक जो नए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। और हाँ, अगर किसी को अन्य कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं बार बार अपने सारे वीडियोज़ में लगभग ये बातें कहता हूँ कि अगर किसी को किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं उसके भी वीडियोज अपलोड कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप नोटिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके इनबॉक्स में, यूट्यूब इनबॉक्स में मिल जाए। तो आइए अब फ्रेंड्स इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स अब इसके टेक्स्ट का अध्ययन करते हैं। तो पैराग्राफ फर्स्ट बिगेन होता है, लिख रहे हैं सुक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 ईयर बिफोर। अर्थात सुक्रेटिस लिव्ड, अर्थात सुक्रात रहते थे इन एथेंस अर्थात एथेंस में अबाउट 400 ईयर्स बिफोर, लगभग 400 वर्ष पहले जीसस क्राइस्ट वाज बॉर्न अर्थात ईसा मसीह के जन्म के, ईसा मसीह के जन्म के लगभग 400 वर्ष पहले सुक्रात एथेंस में रहते थे। एज ए बॉय अर्थात एज अर्थात रूप में, ए बॉय का मतलब एक लड़के के रूप में, ही वाज अगली अर्थात वह क्रूप थे, अंडर साइज अर्थात बौने थे अर्थात छोटी कद के थे, एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड हैड और उनके पास थी ए फ्लैट नोज चपटी नाक थी, एंड बल्गिंग आइज और उभरी हुई आंखें थी, अर्थात उनकी चपटी नाक थी और उभरी हुई आंखें थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, हिज फादर अर्थात उनके पिताजी थे ए पुअर स्टोन कटर अर्थात एक गरीब स्टोन कटर अर्थात पत्थर काटने वाले, सो इसलिए ही वाज ऑलवेज अर्थात वह सदैव रेदर सैबली ड्रेस अर्थात वह सदैव गंदे कपड़े ही पहने रहते थे। सैबली ड्रेस मतलब होता फटे पुराने गंदे कपड़े, मटमैले कपड़े। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज, लाइक का मतलब की तरह, अदर बॉयज मतलब दूसरे लड़कों की तरह, ऑफ हिज एज का मतलब अपने उम्र के दूसरे लड़कों की तरह ही, वेंट टू स्कूल अर्थात वह स्कूल जाते थे, वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन सबसे महत्वपूर्ण पाठ वर का मतलब था म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, संगीत और शारीरिक व्यायाम। ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड लिटिल अबाउट द स्टार। ही आल्सो लर्न, उन्होंने पढ़ा सम साइंस कुछ विज्ञान के बारे में भी, एंड मैथमेटिक्स और गणित के बारे में भी, एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार और बहुत थोड़ा सा तारों के बारे में, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे, लेकिन बहुत अधिक हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी अर्थात इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं पढ़ा एज द चिल्ड्रन लर्न टूडे, जैसा कि बच्चे आज पढ़ते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर अर्थात यह विचित्र, लिटिल क्रिएचर अर्थात छोटा सा प्राणी, विद द सॉल्ट नेक अर्थात छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस और सपाट चेहरे और छोटी गर्दन वाला यह विचित्र प्राणी वाज ए थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारशील बच्चा था। ही वाज अर्थात वह देखा करते थे हिज कंपेनियन अपने साथियों को, ऑल द टाइम अर्थात हर समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स और बहुत ही कम चीज़ों को अनुमति देते थे टू स्कैप हिज नोटिस अपने ध्यान से जाने की, टू स्कैप मतलब चले जाने की, हिज नोटिस का मतलब अपने ध्यान से चले जाने के लिए वो बहुत ही कुछ चीज़ों को ही अनुमति देते थे अर्थात अलाउ करते थे, अर्थात वो अपने साथियों द्वारा किए हुए सारे कार्यों को वो हर समय देखा करते थे। आगे तो बढ़ते हैं। सुक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस आर फाइन फर्नीचर, सुक्रात के पास नहीं था ए बिग हाउस अर्थात एक बड़ा घर, और फाइन फर्नीचर अथवा सुंदर फर्नीचर्स। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ आर ब्यूटीफुल पोसेशंस, ही डिड नॉट सीम अर्थात वो प्रतीत नहीं होते थे टू वांट चाहते हुए आइदर वेल्थ ना ही धन और अथवा ब्यूटीफुल पोसेशन अर्थात सुंदर भौतिक वस्तुओं को, पोसेशन मतलब होता भौतिक वस्तुएं, वो ना तो धन और ना ही सुंदर भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करना चाहते थे, पाते हुए प्रतीत होते थे। एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वह बड़े हुए, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल,
ही वीगन अर्थात उन्हें शुरू कर दिया, टू थिंक अर्थात सोचना, वेरी लिटिल अर्थात बहुत थोड़ा सा, फॉर बॉडली कम्फर्ट शारीरिक आराम के बारे में, एंड प्लेजर और आनंद के बारे में, ही गेव हिज माइंड टू ऑल डैट, ही गेव उन्होंने दिया हिज माइंड अर्थात अपना सारा ध्यान दिया, टू ऑल डैट उन सारी चीज़ों पर, डैट वाज जो थी नॉबल अर्थात श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल सम्मानजनक थी, एंड जस्ट का मतलब और न्यायपूर्ण थी। आइए बढ़ते हैं अगले पैराग्राफ पर। सुक्रेट इज बेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट, सुक्रेट इज बेंट अर्थात सुक्रेट इज जाते थे, सुक्रेट जाते थे अराउंड द टाउन अर्थात कस्बे के चारों ओर ऑन फुट पैदल, सुक्रेट कस्बे के चारों ओर पैदल ही जाते थे, एंड टॉक टू द पीपल और लोगों से बातचीत करते थे, द एथेनियंस अर्थात एथेंस के निवासी बिगन टू लुक देखना शुरू कर दिए थे फॉर हिज फैमिलियर फिगर, एथेंस के लोग विगन का मतलब शुरू कर दिए थे टू लुक फॉर अर्थात तलाशना हिज फैमिलियर फिगर उनके परिचित चेहरे को, इन द स्ट्रीट का मतलब होता है गलियों में, एंड टू से और कहते थे टू दियर फ्रेंड्स अपने मित्रों को कहते थे यस हाँ डेट इज सुक्रेट इज वो सुक्रात हैं कम अलॉन्ग आ जाओ एंड टॉक टू हिम और उनसे बातचीत करो। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद सुक्रेट इज बिकम फेमस एज अ टीचर, सुक्रेट इज अर्थात सुक्रेट बिकम फेमस प्रसिद्ध हो गया एज अ टीचर का मतलब एक अध्यापक के रूप में, ही वंडर्ड अलॉन्ग द रोड, वंडर दो प्रकार का होता है, एक डब्ल्यू ओ एन होता है एक में डब्ल्यू ए एन होता है, तो जो डब्ल्यू ओ एन होता है उसका मतलब आश्चर्य करना होता है और जो डब्ल्यू ए एन होता है उसका मतलब होता है भटकना इधर उधर घूमना, ही वंडर्ड अलॉन्ग द रोड अर्थात वो सड़क किनारे घूमते रहते थे, एंड स्टूड का मतलब और खड़े हो जाते थे, इन द मार्केट प्लेसेज अर्थात बाजार के स्थानों पर खड़े हो जाते थे, टॉकिंग टू एनीवन किसी से भी बातचीत करते हुए, हु केयर टू ग्रीट हिम जो उनका अभिवादन करने में ध्यान देता था, हु केयर जो ध्यान देता था टू ग्रीट हिम उनका अभिवादन करने में, हिज लिसनर उनके श्रोता वर ऑफन, ऑफन मतलब प्रायः प्रायः कन्फ्यूज अर्थात भ्रमित रहते थे, आफ्टर दे हैड आर विथ हिम, आफ्टर दे हैड अर्ड अर्थात उनसे अर्ज अर्थात तर्क वितर्क करने के बाद, और आंसर अथवा उत्तर देने के बाद हिज क्वेश्चन उनके प्रश्नों के, सुक्रेट इज टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुक्रेट अपने देश के लोगों को बताते थे डैट कि एवरीवन मस्ट लर्न प्रत्येक व्यक्ति को सीखना चाहिए, टू थिंक फॉर हिमसेल्फ स्वयं के बारे में सोचना, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के बारे में सोचना सीखना चाहिए, सो डैट जिससे कि बाई यूजिंग हिज रीजन इस कारण के प्रयोग के द्वारा ही वुड हैव द पावर उसके पास शक्ति आ जाएगी टू सी ये समझने के लिए कि व्हाट वाज राइट कि क्या सही है, जस्ट न्यायपूर्ण है ट्रू सत्य है एंड ब्यूटीफुल और सुंदर है, एंड सो सेफ और उसी शेप में उसी आकृति में हिज ओन कंडक्ट को अर्थात उसी आकृति में अपने विचारों को ढालेगा और उसी तरह से अपने विचारों को ढालेगा, ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, कई बार क्वेश्चन इससे बना हुआ है, तो ही वॉन्टेड अर्थात वो चाहते थे एथेंस टू बी अर्थात एथेंस को बनाना टू बी अ परफेक्ट स्टेट अर्थात एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे, एक पूर्ण राष्ट्र बनाना चाहते थे, ही टोल्ड एवरीवन वो प्रत्येक व्यक्ति से कहते थे बोथ हिज पीपल एंड हिज अदर फॉलोअर्स अपने शिष्यों से और अपने अनुयायी दोनों से कहते थे डैट कि दिस कुड ऑनली हैपन या तभी हो सकता है इफ एवरी सिटीजन यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड हिज माइंड ओन माइंड यदि प्रत्येक नागरिक अपने स्वयं के मस्तिष्क को एजुकेट कर लेगा शिक्षित कर लेगा टू सी ये समझने के लिए कि व्हाट वाज राइट एंड नॉबल कि क्या सही है एंड नॉबल का मतलब और श्रेष्ठ है, ही बिलीव्ड अर्थात वो विश्वास करते थे डैट कि क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन क्वेश्चनिंग अर्थात प्रश्न करने से डिस्कशन और विचार विमर्श करने से वुड हेल्प देम उसमें सहायता उन्हें सहायता मिलेगी टू दिस अर्थात यह करने में वो ये मानते थे बिलीव्ड अर्थात वो मानते थे डेट की क्वेश्चनिंग एंड डिस्कशन प्रश्न करने से और विचार विमर्श करने से उन्हें यह करने में सहायता मिलेगी एंड सो और इसलिए ही वाज फॉरएवर वो सदैव टॉकिंग टू देम उनसे बातचीत करते थे इन ओपन स्ट्रीट अर्थात खुली गलियों में। आगे लिख रहे हैं कि व्हेन सुक्रेट इज वाज एन ओल्ड मैन जब सुक्रेट एक बूढ़े व्यक्ति हुए तो हिज फेम अर्थात जो उनकी प्रसिद्धि थी जो उनकी कीर्ति थी जो उनका यश था हैड स्प्रेड फार एंड वाइड हैड स्प्रेड अर्थात वो फैल गया फार एंड वाइड दूर दूर तक द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन द हाउस ऑफ मैनी अ रिच मैन अर्थात एक धनी कई धनी परिवारों के घरों के जो दरवाजे थे ओपन का मतलब खोले रहते थे जो कई
धनी व्यक्तियों के घर थे वो ओपन इट्स डोर, अपने दरवाजे को खोले रहते थे टू हिम का मतलब उनके लिए। फिर से देख लेते हैं, द हाउस ऑफ मेनी अ रिच मैन, एक धनी व्यक्ति कई धनी परिवारों के घरों के जो दरवाजे थे, जो धनी परिवारों के व्यक्ति थे वो ओपन हिज डोर, वो अपने दरवाजे को खोले रहते थे टू हिम का मतलब उनके लिए, फॉर क्योंकि पीपुल फेल्ट ऑनर, लोग सम्मान महसूस करते थे टू हैव हिम, उन्हें पा करके एज डियर गेस्ट, अपने मेहमान के रूप में। बाई डिग्री ए स्पेशल ग्रुप ऑफ पीपुल, बाई डिग्री अर्थात एक बड़े पैमाने पर, ए स्पेशल ग्रुप अर्थात एक खास समूह ऑफ पीपुल्स अर्थात शिष्यों का एक खास समूह एक बड़े पैमाने पर, गैदर्ड का मतलब इकट्ठा रहता था, अराउंड हिम का मतलब उनके चारों ओर, एंड फॉलोड हिम और उनका अनुसरण करता था, व्हेरेवर ही वेंट, जहां भी वे जाते थे, अमंग देम उनके साथ वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लूटो, उनके साथ उन्हीं के बीच में वाज ए यंग मैन अर्थात एक युवा व्यक्ति कॉल्ड प्लूटो, प्लूटो कहा जाने वाला एक युवा व्यक्ति, हु ट्रेजर अर्थात जो संयोज कर रखता था एवरी वर्ड, प्रत्येक शब्दों को, हुई जो कि हिज मास्टर अटर्ड, हिज मास्टर जो उसके स्वामी, अटर्ड का मतलब होता है सेड अर्थात कहना, जो उसके मास्टर कहते थे, एंड इन लेटर से और बाद के वर्षों में बिकम फेमस अर्थात वो प्रसिद्ध हो गया एज ए टीचर, एक अध्यापक के रूप में, एज सुक्रेट इज हिमसेल्फ, जैसा कि सुक्रात स्वयं थे। बट ऑल्दो, लेकिन यद्यपि, मेनी पीपुल लव्ड द ओल्ड मैन, बहुत सारे लोग लव्ड, प्रेम करते थे द ओल्ड मैन अर्थात इस बूढ़े व्यक्ति से, एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम, एंड डिलाइटेड और प्रसन्नचित हो जाते थे इन हिज विजडम, उनकी बुद्धिमत्ता से। देयर वाज सम, लेकिन कुछ लोग थे हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, जो उनसे प्रसन्न नहीं थे, हु डिड नॉट अप्रूव अर्थात जो प्रसन्न नहीं थे ऑफ हिम का मतलब उनसे, ही टॉट अर्थात वो सोचते थे दैट की मैंस ओन माइंड इन्फ्लुएंस हिज कंडक्ट मोर देन द गॉड, ही टॉट अर्थात सुक्रेटिस के बारे में लिख रहे हैं कि ही टॉट अर्थात वो बताते थे दैट की मैंस ओन माइंड, व्यक्ति का स्वयं का जो मस्तिष्क है, इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित करता है, हिज कंडक्ट उसके विचारों को, मोर का मतलब अधिक, देन द गॉड अर्थात भगवान की अपेक्षा, वो बताते थे कि व्यक्ति का स्वयं का मस्तिष्क उसके विचारों को भगवान की अपेक्षा अधिक प्रभावित करता है। दिस सीम टू सम पीपुल, दिस सीम, यह सीम मतलब प्रतीत होता था टू सम पीपुल, कुछ लोगों को, अ न्यू एंड विग्ड आइडिया, एक नया और घटिया तरीका प्रतीत होता था। ही सेड, वो कहते थे डैट कि देयर वर हायर एंड नॉबलर डीड्स, देयर वर अर्थात हैं हायर एंड नॉबलर, और भी उच्चतम एंड नॉबलर और श्रेष्ठतम कार्य, डिट्स का मतलब कार्य है, देन मेकिंग सेक्रीफाइस, बलि देने की अपेक्षा टू द एथेंस एंड द अदर गॉड ऑफ ग्रीक, अर्थात एथेंस और ग्रीक के अन्य गॉड्स को अर्थात भगवान को बलि देने की अपेक्षा और भी श्रेष्ठतम और उच्चतम कार्य हैं। एंड मेनी पीपुल, और अनेक लोग थॉट का मतलब सोचते थे डैट की ही वॉज लीडिंग द यंग, अर्थात ही वॉज लीडिंग अर्थात वो ले जा रहे हैं, द यंग का मतलब युवाओं को, एस्ट्रा का मतलब गलत रास्ते पर, अर्थात वो युवाओं को पथभ्रष्ट कर रहे हैं, क्वेश्चनिंग ऑल डैट, सारे प्रश्न करते हुए डैट की दे हैड बीन टॉट टू बिलीव, दे हैड बीन टॉट अर्थात उन्हें बताया जा रहा, टू बिलीव का मतलब विश्वास करना, एंड फिलिंग देयर माइंड और उनके मस्तिष्क को भरा जा रहा है विथ डाउट अर्थात संदेहों से, ऐसा लोग मानते थे कि जो सुक्रात हैं वो लोगों को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और उनके माइंड को जो है वो संदेहों से भर रहे हैं और उनको विश्वास करना सिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, द मैन हु वाज गवर्निंग एथेंस समॉन सुक्रेटिस टू अपियर बिफोर देम, द मैन अर्थात वो व्यक्ति हु आर गवर्निंग अर्थात जो शासन कर रहा था, इसका मतलब एथेंस पर, समॉन ने बुलाया सुक्रेटिस अर्थात सुक्रात को टू अपियर, प्रस्तुत होने के लिए बिफोर देम उसके सामने, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल और उसे अपने मुकदमे में पेश किया, हिज फ्रेंड्स बेग हिम टू स्कैप और टू हाइड अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन, हिज फ्रेंड अर्थात जो उसके मित्र थे बेग्ड हिम, उनसे निवेदन किए टू स्कैप भाग जाने के लिए और टू हाइड अथवा छिप जाने के लिए अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक कि ये तूफान, स्टॉर्म अर्थात तूफान हैड ब्लोन ओवर बुझ न जाए, अर्थात जब तक ये तूफान चला जाए तब तक छुप जाने के लिए अथवा भाग जाने के लिए उनके मित्रों ने उनसे निवेदन किया। बट सुक्रेटिस वाज नो कावर्ड, लेकिन सुक्रात कायर नहीं थे, डरपोक नहीं थे,
कावड़, सॉरी, कावड़ का मतलब होता है डरपोक, बट लेकिन सुक्रेटिस वाज नो कावड़, डरपोक नहीं थे। एक मिनट आगे देखते हैं। ही न्यू अर्थात वो जानते थे डैट कि ही हैड डन नथिंग रॉन्ग, ही हैड डन नथिंग, उन्होंने कुछ भी रॉन्ग का मतलब गलत नहीं किया है, एंड डैट कि ही हैड ओनली टॉट, और ये जानते थे कि ही हैड ओनली टॉट, उन्होंने केवल बताया है कि व्हाट इज व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, जिसे वो न्यायपूर्ण होने पर विश्वास करते थे, ट्रू का मतलब सत्य होने का विश्वास करते थे, एंड ऑनरेबल और सम्मानजनक होने का विश्वास करते थे, एंड सो और इसलिए ही वेंट टू द कोर्ट, वो कोर्ट को गए, अर्थात वो कोर्ट में गए, हिज क्लाथेज एंड शूज वर डस्टी, हिज क्लाथेज उनके जो कपड़े थे एंड शूज और जो जूते थे वह डस्टी अर्थात धूल से भरे हुए थे, एंड ट्रेवल स्टैंड और कलंकित यात्रा किए थे, स्टैंड का मतलब कलंकित यात्रा, ट्रेवल स्टैंड का मतलब, बट एवरीवन लेकिन प्रत्येक व्यक्ति न्यू अर्थात जानता था डैट कि ए नॉबल हर्ट एक श्रेष्ठ हृदय बीट अर्थात धड़कता है अंडर द सैबी गारमेंट्स इस फटे पुराने गंदे कपड़ों के अंदर, सैबी गारमेंट अर्थात मैले कुचले कपड़े। ही मेड ए पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, ही मेड अर्थात उन्होंने दिया ए पावरफुल एक शक्तिशाली एंड डिग्निफाइड और ओजस्वी स्पीच का मतलब भाषण, उन्होंने एक शक्तिशाली और ओजस्वी भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, उन्होंने एथेंस के निवासियों को बताया दैट कि दे वुड गेन नथिंग, दे वुड गेन नथिंग, उन्हें कोई भी लाभ नहीं होगा बाई टेकिंग अवे अर्थात लेकर के द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, द लास्ट फ्यू ईयर्स अंतिम कुछ वर्षों को लेकर के ऑफ हिज लाइफ उनके जीवन के। ही टोल्ड द एथेनियन, उन्होंने एथेंस के निवासियों को बताया डैट कि दे वुड गेन नथिंग, उन्हें कोई भी लाभ नहीं होगा बाई टेकिंग अवे लेकर के छीन करके द लास्ट फ्यू ईयर्स अंतिम कुछ वर्षों को ऑफ हिज लाइफ उनके जीवन के, बट डैट ही वॉज विलिंग टू डाई, बट लेकिन कि ही वॉज विलिंग अर्थात वो चाह रहे थे टू डाई मेनी डेथ, कई मृत्यु मानना चाह रहे थे फॉरवर्ड, जिससे कि ही बिलीव्ड टू बी राइट, उन्हें सही माना जाए। आगे बढ़ते हैं। द जज लिसन टू हिम, द जज अर्थात न्यायाधीशों ने लिसन टू हिम, उन्हें सुना अर्थात उनकी बातों को सुना, क्वेश्चन हिम उनसे प्रश्न किए, एंड कंडेम हिम टू डेथ, एंड कंडेम और उनके सजा सुनाई, तो डेथ का मतलब मृत्यु की, और उन्हें मृत्यु की सजा सुनाई। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, द ओल्ड मैन अर्थात उस बूढ़े व्यक्ति ने, उस वृद्ध व्यक्ति ने मेड नो कंप्लेंट, कोई भी शिकायत नहीं की। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, ही लीन्ड अर्थात वो झुक गया, लीन का मतलब झुकना, ऑन हिज स्टिक अपने छड़ी पर, लुकिंग राउंड चारों ओर देखते हुए द कवर्ड कोल्ड रूम अर्थात भीड़ से भरे हुए कोल्ड रूम को, भीड़ से भरे हुए कोर्ट के कमरे को देखते हुए, चारों देखते हुए अपनी छड़ी पर झुक गया। प्लूटो एंड हिज अदर पीपल्स वर देयर, प्लूटो अर्थात प्लूटो एंड हिज अदर पीपल और उनके दूसरे शिष्य वर देयर अर्थात वहाँ थे, इन द कोर्ट अर्थात कोर्ट में, ऑल द टाइम अर्थात पूरे समय। तो कह कह रहे हैं कि नो इवल कैन हैपन टू ए गुड मैन, नो इवल कैन हैपन, कुछ भी बुरा नहीं हो सकता है टू ए गुड मैन अर्थात एक अच्छे व्यक्ति के साथ। ही टोल्ड टू देम, उन्होंने उनसे कहा आइदर इन लाइफ, न तो जीवन में और आर आफ्टर डेथ, और ना ही मृत्यु के बाद। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए सदैव खुशहाल रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, द आवर ऑफ माई डिपार्चर, मेरे जाने का समय हैव अराइव्ड अर्थात आ गया है, एंड वी गो आवर वे, हम अपने रास्ते को जाते हैं, आई टू डाई में मरने के लिए, एंड यू टू लिव और तुम जीवित रहने के लिए। देन द सोल्जर केम एंड टुक हिम अवे टू प्रिजन, देन तब द सोल्जर अर्थात सिपाही, केम का मतलब आए, एंड टुक हिम और उन्हें ले गए अवे टू द प्रिजन अर्थात उन्हें जेल में ले गए, कारागार में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज थ्री चिल्ड्रन, हिज वाइफ अर्थात उनकी पत्नी ने, फॉलोड का मतलब उनकी पत्नी भी पीछे गई, विथ हिज थ्री चिल्ड्रन अपने तीन बच्चों के साथ, मेनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल उनके बहुत से पसंदीदा जो शिष्य थे वर आल्सो विथ हिम उनके साथ थे, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय तक दे टॉक टू हिम उनसे बातचीत किए, एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, एंड ही टॉट देम उन्होंने उन्हें सिखाया पढ़ाया
मेनी वाइज लेसन, बहुत सारे बुद्धिमत्तापूर्ण पाठों को हुच दे ट्रेजर, जिसे वह संयोज कर रखे इन दियर हर्ट्स, अपने हृदय में। बट ऑल द टाइम, लेकिन हर समय हिज फ्रेंड्स न्यू, अर्थात उनके जो मित्र थे वो जानते थे डेट की सुक्रातीज वुड डाई सून, सुक्रातीज जल्द ही मर जाएंगे। देवर सैड, अर्थात वे दुखी थे। फार क्यों, क्योंकि एज प्लूटो रोड, क्योंकि प्लूटो ने लिखा है कि ही वाज लाइक ए फादर, ही वाज अर्थात वह थे लाइक ए फादर, एक पिता की भांति थे, एक पिता की तरह थे। आप हम उन लोगों के लिए, आप हम जिसे वी वर बीइंग ब्रीव्ड, जिससे हम वंचित होने जा रहे हैं, एंड वी वर अबाउट टू पास, और हम गुजरने और हम गुजारने जा रहे हैं द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, अपने शेष जीवन को एज ऑर्फेंस, एक अनाथ के रूप में। फिर से देख लेते हैं, एज प्लूटो रोड, जैसा कि प्लूटो ने लिखा कि ही वॉज लाइक ए फादर, वह एक पिता की बात थे। आप हम जिसे वी वर बीइंग ब्रीव्ड, जिससे हम वंचित होने जा रहे थे, एंड वी वर अबाउट टू पास, और हम गुजरने वाले थे द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ, अर्थात अपने जीवन के शेष भाग से एज ऑर्फन, अर्थात अनाथ के रूप में। आफ्टर द सन हैड सेट बिहाइंड द ट्री टॉप्स, आफ्टर द सन हैड सेट, सूर्य के अस्त होने के बाद, बिहाइंड द ट्री टॉप अर्थात पेड़ के शीर्ष के पीछे, पेड़ के शीर्ष के पीछे सूर्य अस्त होने के बाद, द जेलर केम अर्थात जेलर आया, इनका मतलब अंदर, एंड आस्क और पूछा सुक्रातीज का मतलब सुक्रात से, टू प्रिपेयर अर्थात तैयार रहने के लिए, फॉर डेथ का मतलब मृत्यु के लिए। इन एथेंस अर्थात एथेंस में, व्हेन पीपल वर कंडेम टू डाई, जब लोगों को कंडेम का मतलब सुनाया जाता था टू डाई अर्थात मृत्यु की सजा सुनाई जाती थी, तो देवर गिवेन ए कप ऑफ पॉइजन, देवर गिवेन अर्थात उन्हें दिया जाता था एक कप ऑफ पॉइजन, अर्थात एक प्याला जहर दिया जाता था। सुक्रातीज न्यू दिस, सुक्रातीज अर्थात सुक्रात न्यू का मतलब जानते थे, दिस का मतलब यह, सुक्रात यह जानते थे, एंड ही नॉब्ड टू द जेलर, ही नॉब्ड अर्थात उन्हें सहमत में सिर हिलाया टू द जेलर, था जेलर से, हु लुक्ड एट हिम, जो उन्हें देख रहा था, सैडली से दुखपूर्वक कहते हुए, जो ने यह दुखपूर्वक कहते हुए कह रहा था कि यू सुक्रातीज, आप सुक्रातीज होम आई नो, जिसे मैं जानता हूँ, टू बी द नॉबलेस्ट एंड जेंटलेस्ट अर्थात सबसे श्रेष्ठ जानता हूँ, एंड नॉब जेंटलेस्ट और सबसे सज्जन जानता हूँ मानता हूँ, एंड बेस्ट ऑफ ऑल और उन सभी में मैं श्रेष्ठ मानता हूँ, हु एवर केम टू दिस प्लेस, जो भी इस समय यहाँ, जो भी इस स्थान पर आए हैं। विल नॉट बी एंग्री, गुस्सा मत होइएगा, बिथमी का मतलब मुझसे, व्हेन आई आस्क यू, जब मैं आपसे कहूँगा टू ड्रिंक द पॉइजन अर्थात जहर पीने के लिए, फॉर क्योंकि अदर एंड नॉट आई आर गिल्टी काज, दूसरे लोग इसके कारण हैं, एंड नॉट आई आर मैं नहीं हूँ द गिल्टी अर्थात अपराधी, काज का मतलब इस कारण का। ब्रस्टिंग इन टू टीयर्स अर्थात तेजी से रोते हुए, उसके आंसू तेजी से बहते हुए, ही वेंट आउट अर्थात वो चला गया, एंड रिटर्न और लौटा विथ ए कप ऑफ पॉइजन, एक पहले जहर के साथ, एक पहले जहर के साथ वो वापस लौटा। मे द गॉड प्रॉस्पर माई जर्नी फ्रॉम दिस टू अदर वर्ल्ड, मे द गॉड अर्थात भगवान प्रॉस्पर अर्थात सफल करे माई जर्नी अर्थात मेरी यात्रा को, फ्रॉम दिस का मतलब इस लोक से टू द अदर वर्ल्ड अर्थात दूसरे लोक को, इस दुनिया से दूसरी दुनिया की मेरी यात्रा को भगवान सफल करे। सेट सुक्रातीज अर्थात सुक्रातीज ने कहा, एंड लिफ्ट और लगा लिया द कप अर्थात प्याले को, टू हिज लिप अपने होठों से, और प्याले को अपने होठों से लगा लिया। हिज पीपुल ट्राइड टू कीप बैक दियर्स टीयर्स, हिज पीपुल उसके जो शिष्य थे, ट्राइड का मतलब प्रयास किए, टू कीप बैक अर्थात अंदर ही रखने का, दियर टीयर्स अर्थात अपने आंसुओं को, बट लेकिन वन सॉब्ड, एक कोई सिसकने लगा, सॉब्ड अलाउड का मतलब होता है तेजी से सिसकना, तेजी से सिसकने लगा, एंड हिज दिस डिस्ट्रीज और इसने उदास कर दिया द अदर्स का मतलब दूसरों को, एंड सून और जल्द ही द रूम वाज फिल्ड, जो कमरा था वाज फिल्ड था भर गया विद द साउंड ऑफ पीपिंग, रोने की आवाज़ से, और जल्द ही कमरा पूरा रोने की आवाज़ से भर गया। सुक्रातीज पॉज था, सुक्रात रुके विद द अनफिनिश्ड कप ऑफ पॉइजन इन हिज हैंड्स, विद द अनफिनिश्ड अर्थात बिना समाप्त किए हुए कप ऑफ पॉइजन अर्थात जहर के प्याले को, इन हिज हैंड का मतलब अपने हाथ में, अपने हाथ में जहर को बिना समाप्त किए हुए सुक्रात रुके,
व्हाट इज दिस स्ट्रेंज वॉइस, व्हाट क्या है दिस स्ट्रेंज नॉइज, अर्थात ये विचित्र शोर क्या है। ही सेड ही आस्क्ड, उन्होंने पूछा, आई हैव हर्ड, मैंने सुना है डैट कि ए मैन शुड डाई इन पीस, एक व्यक्ति को डाई अर्थात मरना चाहिए इन पीस शांति में, यू मस्ट नॉट क्राई, तुम्हें रोना नहीं चाहिए, बी साइलेंट, शांत हो जाओ, एंड हैव पेशेंस, और धैर्य रखो। ही लुकड अराउंड, उन्हें चारों ओर देखा, रिमेंबरिंग समथिंग, कुछ याद करते हुए, तो उन्होंने कहा कि क्रीटो क्रीटो, ही विस्पर्ड टू वन ऑफ हिज पीपल, ही विस्पर्ड, उन्हें धीरे से कहा, टू वन ऑफ हिज पीपल, अपने एक शिष्य से, कैन यू डू मी अ फेवर, कैन क्या डू यू डू, तुम करोगे, मी का मतलब मुझ पर, ए फेवर मतलब एक एहसान, क्या तुम मुझ पर एक एहसान कर सकते हो, आई ओ ए कॉक, मैं रेडी हूँ, एक कॉक अर्थात एक मुर्गा, टू एक्लोपियस अर्थात एक्लोपियस का, मैं एक मुर्गा रेडी हूँ, विल यू पे द डेब्ट, क्या तुम ये कर्ज अदा कर दोगे। तो क्रीटो ने कहा कि इट शैल बी पेड, यह अदा कर दिया जाएगा। सेड क्रीटो, क्रीटो ने कहा, इज देयर एनीथिंग एल्स, क्या देयर एनीथिंग एल्स, इसके अतिरिक्त कुछ और भी है। ही वेटेड, उसने इंतजार किया, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई उत्तर नहीं, पर क्योंकि सुक्राटीज अर्थात जो सुक्रात थे, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल ग्रीक, सभी यूनानियों में सबसे महान सुक्रात, वॉज डेड अर्थात मर चुके थे। इसी पर तो इसी के साथ आज की वीडियो की एंड होती है, आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे, इसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नेवर मिसिंग अपडेट्स। थैंक यू।